हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब इमिग्रेशन चैनल। आज हम बात करेंगे यूके के प्रोसेस टाइम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन की रेफ्यूजीज एप्लीकेशन के कारण यूके की जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स वीजा के लिए नहीं है, ये लाइक वर्क परमिट के लिए भी है, विजिटर वीजा के लिए, बाकी जो रेस्ट ऑफ वीजा है उनके लिए भी है। बिकॉज यूके जो भी करंटली है वो यूक्रेन की एप्लीकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। बट अभी प्रोसेसिंग टाइम में कुछ डिफरेंसेस आए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि यूके इमिग्रेशन से रिलेटेड रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप कोई अपडेट मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर इनटेक बहुत जल्दी न्यू एप्लीकेशन के लिए क्लोज होने वाला है और मई इनटेक का रिजल्ट भी आ रहा है। सो दैट आपको प्रोसेसिंग टाइप का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप यूके में स्टडी करने की सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी की टाइमिंग कितनी है, एम्बेसी की कितनी टाइमिंग है, कितना टाइमिंग प्रेजेंटली चल रहा है। अगर प्रेजेंट रिजल्ट टाइम की बात करें तो अभी जो करंटली चल रहा है वो 45 डेज है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप आइडिया ले सकते हो कि कब आपने प्रोसेस अपना स्टार्ट करवाया था और अभी क्या टाइम चल रहा है। तो मतलब जब आपने प्रोसेस स्टार्ट करवाया था, अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी, उसकी 45 डेज के अंदर अंदर आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। अगर बात करें प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज के बारे में तो यूके ने ये पहले ही बोल दिया था कि हमने भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अभी आगे भी नहीं पता कि ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा यूके इमिग्रेशन की अपनी लाइक जो भी यूके यूनिवर्सिटीज हैं, एक उन्होंने कोटा रखा है यूक्रेन स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो उनको भी पढ़ा सके अपनी कंट्री में, क्योंकि यूक्रेन के हाल तो सही नहीं है, वहां तो बच्चा अपना पढ़ नहीं सकता उनका। तो वो ये सोच रहे हैं कि जो यूक्रेन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक अच्छी लाइफ मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके, उन्होंने एक कोटा संभाल के रखा है यूक्रेन स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप सितंबर इनटेक में जाना चाहते हो तो यही बेस्ट टाइम है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें ताकि आपकी पहले यूनिवर्सिटी क्लोज होने से पहले आपका एडमिशन हो जाए। देखो यूनिवर्सिटी जो है वो स्लाइटली बंद होती जा रही है सितंबर इनटेक के लिए, इसके बाद जो भी एडमिशन होंगे आपकी यूनिवर्सिटीज में वो नेक्स्ट इनटेक के लिए होंगे। सो इफ आप यूके में अभी अप्लाई करते हो, जैसे मैं आपको पहले बताया यही टाइम है, कुछ 10-1 दिन का टाइम है आपके पास में, इसमें आप अप्लाई कर ले तो कर ले सितंबर इनटेक के लिए। जून मिड तक आपकी सारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, ऑलमोस्ट कुछ हो गई है, किसी के एडमिशन फुल हो गए हैं, कि जो आप कोर्स चाहते हैं मे बी आपको वो कोर्स नहीं मिल रहा होगा, बहुत यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं। तो अभी यही सही टाइम है अप्लाई करने का, जल्दी अप्लाई करें और जब आपने अप्लाई किया है उसके 45 डेज काउंट करें तब तक आपको अपनी जो भी प्रोसेस का सारा रिजल्ट मिल जाएगा। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यूके इमिग्रेशन से रिलेटेड ताकि आगे चल के आपको किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव या यूजफुल लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। If you have any doubts, तो आप अपने doubts comment section में जरूर share करें, हम उनका as soon as possible reply करने की कोशिश करेंगे। So guys, channel को subscribe जरूर कर लें, bell icon को press करना बिल्कुल ना भूलें ताकि UK immigration से related regular update आप तक पहुंचती रहे और आप कोई update miss ना कर दें।